हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। आज है फ्राइडे और अभी सुबह सुबह मैं अभी इन लोग को ब्रेकफास्ट के लिए दे रही हूँ मेथी का पराठा। और अभी मैं रेसिपी को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इतना जल्दीबाजी में ना शूट करने के लिए ना नहीं होता है। और अभी बस थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और क्या क्या डाली हूँ नहीं डाली हूँ वो मैं बाद में एक दिन दिखा दूँगी। अभी तो हमेशा ही ऐसे पराठा करते ही रहूँगी और सुबह सुबह मम्मा को इसी को दे दूँगी ब्रेकफास्ट में और मेरे हस्बैंड भी करके जाएगा। और चलिए फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock और मॉर्निंग में आपके साथ तो पूरा मैं पराठा का जो रेसिपी है मैं पूरा शेयर कर दी हूँ। और आज मैं बनाई थी पालक मेथी का पराठा, उसके साथ थोड़ा सा आलू का सब्जी भी बनाई थी। और जल्दीबाजी में ना फटाफट कुछ होता नहीं है, इसीलिए ऐसे पराठा वराठा करूँ तो फटाफट हो भी जाता है। और आज मैं लेके आई, कल रात को मैं जैसे गई थी ना मार्केट मम्मा के लिए ब्लेज़र ख़रीदने के लिए, उस टाइम मार्केट और सब्जी मार्केट दोनों पास पास में है, तो इसीलिए मैं हरा हरा सब्जी था, इसीलिए मैं थोड़ा सा सब्जी भाजी 2 दिन का करके मैं आई हूँ। और उधर से थोड़ा बहुत मूली लेके आई थी और मूली का जो पत्ती होता है ना वो भाजी को भी मैं अभी क्या की हूँ चॉप करके उसको मैं नमक के साथ उसको मक के रख दी हूँ। अभी उसके अंदर से जितना भी पानी निकलेगा ना उसको निचोड़ के मैं साइड करके रख दूँगी अच्छे से धो के, उसके बाद फिर तड़का लगाऊंगी लहसुन और काला जीरा और मिर्ची के साथ मैं उसको तड़का लगा लूँगी। और तड़का लगाने के बाद भाजी को थोड़ा फ्राई कर लूँगी, हो जाएगा। और जो भी हो, कल तो मतलब कुछ अच्छे से मैं कुछ खरीदारी नहीं कर पाई थी और मैं अभी मेरे हस्बैंड को बोलूँगी जो थोड़ा थोड़ा करके जो चीज़ चाहिए वो चीज़ लेके आ जाए। और अभी तो क्या है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट का आइटम है आप लोग से पूरा शेयर कर ली हूँ। अभी लंच में क्या बनेगा आज आप लोग को बिना स्किप करके पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। आज कुछ अलग टाइप का एक बनाने वाली हूँ, पता नहीं मैं इसको पहली बार बना रही हूँ, शायद नहीं मैं पहली बार ही बना रही हूँ। ये जो बरबट्टी है ना इसको मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी और पहली बार ही बना रही हूँ। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी, अच्छा या बुरा सब चीज़ मैं शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए मैं आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ये बरबट्टी को मैं 3 सीटी लगा के उसके बाद मैं इसको सिलबट्टे में पीसी हूँ। क्यों, आप लोग मिक्सी में भी पीस सकते हो, मैं सिलबट्टे में ये बाटने का जो काम होता है या चटनी होता है ना वो मैं सिलबट्टे में पीस के खाती हूँ ना, वो टेस्ट कुछ अलग ही आता है। मैं एक दीदी से मैं ये टिप्स मैं मुझे पता चला था, जब चटनी बनाओगे ना चटनी खाने से तुरंत तुरंत पहले वो ना सिलबट्टे में पीसो तो टेस्ट मिक्सी से भी ज़्यादा आता है और सही में होता ही है। और इस तरफ मैं ये लहसुन को भी मैं इसके अंदर डालूँगी, बरबट्टी के अंदर इतना सारा मैं लहसुन को डालूँगी, जितना हो सके उतना डालिए। और ठंडी का मौसम है और गर्म करता है बॉडी और बहुत ही अच्छा खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सब जो इतना भी मतलब लहसुन है उसको मैं चिकन में डालूंगी, इसीलिए मैं पील करके रखी हूँ। इधर भी प्याज अदरक लहसुन और आलू टमाटर जितना भी है सबको मैं पील करके धो के साफ़ करके मैं रख दी हूँ। अभी उस तरफ तो हो रहा है मतलब ये भाजी, मतलब क्या भाजी, मूली भाजी को मैं फ्राई कर रही हूँ। 3, 4, 5 सूखा मिर्ची ली हूँ और उसके साथ इतना सारा लहसुन को पीसूंगी। अभी इसमें सूखा मिर्ची बहुत टेस्ट आता है, हरा मिर्ची भी डाल सकते हो मगर सूखा मिर्ची बहुत टेस्ट आता है इसका। ये मूली भाजी को मैं फ्राई करके रखी हूँ। अब देखिएगा ये पूरा मूली भाजी मेरे हस्बैंड ही खा जाएगा क्योंकि उसको बहुत पसंद है मूली भाजी। ये तो मेरा हो गया है और इस तरफ मैं लहसुन और सूखा मिर्ची को जो मैं आप लोग को साथ दिखाई हूँ अभी अभी उसी को मैं पीस के रख दी हूँ। और इधर तो लहसुन है, डालूंगी मस्टर्ड ऑयल को पहले डाल दी हूँ, उसके बाद मैं डालूंगी काला जीरा को। ये काला जीरा थोड़ा चटक जाए उसके बाद मैं डालूंगी दूसरा चीज़। अभी ये गर्म हो गया है, अभी मैं इसके अंदर डालूंगी ये जो पेस्ट करके रखी थी ना लहसुन और मिर्ची का, उसको मैं डाल दूंगी। अभी इसके अंदर मैं बरबट्टी को भी डाल दी हूँ और उसके साथ साथ हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ। इतना छीटा आ रहा है ना, अब
अभी मैं स्वाद के अनुसार डाल दूंगी नमक। नमक तो सब अपने हिसाब से डालना पड़ता है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छा शेयर कर लेती हूँ, ये ऐसा हुआ है, एकदम ड्राई बना दी हूँ इसको। इस तरफ तो मैं चिकन हो गया है चिकन हो गया है, बस मैं पानी डालूंगी हो जाएगा। कैसा लगा आज का बाटा? बाटा कैसा लगा? अच्छा अच्छा, अच्छा है ना? टेस्टी टेस्टी। मम्मा कैसा लगा बाटा? कला बाटा ना, बरबट्टी बाटा। तो पापा पूरा एक थाला भात खेये निलो, एटा दिए खेये निलो। आर आर रात वाला होबे ना, अन्य दिन करबो। आबार दोपहर के बाद खाना खाने के बाद ये मार्केट से मछली लेके आया था, तो आज हाफ डे करके आया था, इसीलिए मार्केट से फिश लेके आया है। तो मैं खाना खाने के बाद फिर आ गई हूँ वॉश करने के लिए। ये जो चिंगड़ी मछली है ना, मैं अभी नहीं काट छील रही हूँ, मैं बाद में छीलूँगी इसको, इतना सा बचा है। और ये देखिए, ये चार पीस लेके आया है। इसको शायद बोलते हैं तेल कोई, मुझे उतना नॉलेज नहीं है मछली के बारे में। और ये एक ठो मछली है और ये चार ठो इसके साथ लेके आया है। और ये बड़ा सा एक ठो मछली लेके आया है, जो 3 किलो का मछली है, उसी को काट के लेके आया है। अब इसको, इस सबको मैं साफ़ करके रख दी हूँ, इसको और इसको, ये दोनों को साफ़ करके रखी हूँ। और इसको बस ये बचा है, मैं कल करूँगी, आज कमर दर्द दे रहा है। रात को बनाऊंगी इसको, तो रात के लिए मैं अलग से रख दी हूँ। और ये सबको बाद में, कल तो सैटरडे है, मैं नहीं खा पाऊंगी, तो इसको डीप में रखूंगी। मंडे को, मंडे को खाएंगे मंडे इसको भी। नहीं घुसेगा वहां पे, घुसा और यहाँ पे है चॉकलेट। और ये कौन देख रहा है? मैं मेरा कान है चॉकलेट मानता मैं ना, कोई वन वन नहीं। गुड इवनिंग, अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock और मैं अपना पूरा जो कपड़ा है ना उठाने के लिए आ गई हूँ छत पर। और सुबह से आज क्या हुआ, नाश्ता करने के बाद मैं बोली चलो आज तो दोपहर के बाद तुमको तो आना ही है, तो इसीलिए मैं बोली थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ नाश्ता करते करते, नहीं तो नाश्ता करने, खाना बनाने के बाद थोड़ा नाश्ता करके उसके बाद दूसरा काम करने के बाद मैं थोड़ा 11 बजे के बाद से मेरा पूरा काम हो जाता है। अब थोड़ा रिलैक्स होकर सो के मैं मोबाइल भी देखती हूँ और काम भी करती हूँ, और मतलब दूसरा काम मोबाइल यूट्यूब का दूसरा काम करती हूँ। तो ये सब करते करते ना मेरा थोड़ा रिलैक्सपन भी होता है। आज क्या हुआ, थोड़ा सा लेजीपन कर दी क्या, नाश्ता करते करते मैं थोड़ा सा मोबाइल लेके बैठ गई, बस उसी में मेरा पूरा टाइम खा गया। अब फिर दोपहर का पूरा खाना बनाना था, शूट करना था, ये सब दिखाते दिखाते ना, और शूट करते समय ना बहुत तैयारी करना पड़ता है। अभी पूरा रेसिपी को पूरा काट के धो के सफाई करके ये सब करते करते ना दिखाना, मतलब सब चीज़ अरेंजमेंट करना ना बहुत मतलब लेट हो जाता है उसके कारण। तो आज थोड़ा लेट हो गया सब पूरा काम करते करते, मेरा 1:30 बज गया था आज। और 1:30 बजे के बाद मैं बाबू को खिलाई, उसके बाद इन लोग दोनों जन आ गए, बाप बेटी दोनों जन, और मेरा हस्बैंड और गया नहीं आज, आज लीव लिया है तो गया नहीं। और अभी मैं फिर उतना सारा मछली को लेके बैठी हूँ, फिर धो धा के साफ करके फ्रिज में उठा के रखी। दोपहर के बाद आज मार्केट गया है ना, तो इसीलिए इस टाइम दोपहर के बाद जाने से ना थोड़ा फिश बोलो सब्जी बोलो थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। तो हर टाइम तो समय नहीं मिलता है, कभी कभार समय मिलता है, तो ऐसे लेके आ गया था।
तो अभी क्या है कि मैं हमेशा मना करती हूँ, पहले ऐसे लेके आता था ना तो मना करती हूँ कि जो बाद में जो लास्ट हफ्ते में लास्ट हो जाता है ना जो फिश, उन्हें थोड़ा सा ना ख़राब होते जाता है, क्योंकि बार बार निकालती हूँ उसको फ्रिज में डालने के बाद ना वो धीरे धीरे करके ख़राब होते जाता है, तो मछली ना खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बदबू आ जाता है ना तो मन में एक तो घिन टाइप का लग जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मत लेके आया करो, जैसे मन करता है उस टाइम लेके आ जाओ, अच्छा लगता है खाने में ताज़ा ताज़ा सब्जी मछली ऐसा। तो बोलते हैं आज सस्ते में मिल गया है लेके आ गया, तो जो भी हो उसको तो साफ़ करके मैं डीप में डाल दी हूँ अलग अलग करके। अलग अलग करने से क्या होता है, हर फिश को बाहर बार बार निकलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं तब तक अपना उसको उठा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे फिर दिखाऊँगी क्या करती हूँ आगे का, फिर बाद में दिखाती हूँ। रॉकेट जा रहा है, ये राम की आवाज ना चुलटा रहे हो, मैं ना आवाज चुलटा रहे करो, देखो आते मान लेते मामा पापा से बोलो दे बेटा, अभी बोलते पार हो तो ये रुको चुल थोड़ा चिल्ला मार बनाना हो गया है मेरा, और इस तरफ मैं बना रही हूँ फिश और चावल भी बन गया है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को एक बार, इसके बाद मैं बंद कर दूँगी गैस को। बना रही हूँ फिश को, बस धनिया पत्ता देना बचा है, हो गया है, मैं गैस ऑफ कर दूँगी और बस हो जाएगा ये, मैं इसको मैं ना ढक के रख दूँगी, हो जाएगा। और दोपहर का थोड़ा सा चिकन बचा है, ये तो बाबून का मम्मा का हो जाएगा, और चावल भी हो गया है, बस इतना रात का हो गया है डिनर बना, बस इतना सा ही बचा है, ये सब हो जाए उसके बाद क्या हुआ। अच्छा पापा के, चलिए गाइस मैं अभी और वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।